तो आपका कहना है कि बादशाह अकबर के दरबार की शान मंत्री बीरबल इस सदी के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक हैं। आपने सही फरमाया शाह तुर्क, बुद्धि और इंसानियत का बेजोड़ करिश्मा है मंत्री बीरबल। आपकी तरह हम भी उनकी बुद्धि की तारीफ करना चाहते हैं आलिम साहब, लेकिन उनकी बुद्धि का इम्तिहान लेने के बाद। इम्तिहान? कैसा इम्तिहान शहंशाह? हम कल शाम हिंदुस्तान के लिए रवाना होंगे, चलने की तैयारी करें। शहंशाह तुर्क हिंदुस्तान के बादशाह अकबर के दरबार में पधार रहे हैं। आदाब बादशाह अकबर। आदाब शाह तुर्क। तोहफा कबूल कीजिए बादशाह। शुक्रिया। हिंदुस्तान आने की क्या कोई खास वजह? ऐसा ही कुछ समझ लीजिए बादशाह, हम यहाँ आपके पास एक पहेली सुलझाने के लिए आए हैं। पहेली? कैसी पहेली? अगर आप पहेली के बारे में जानना चाहते हैं बादशाह अकबर, तो आपको उसे सुलझाने का वादा करना होगा। लेकिन वादा करने से पहले आपको पहेली के साथ जुड़ी सभी शर्तें जानने का पूरा हक है। अगर आप शर्तों से सहमत ना हो तो पहेली सुलझाने से मना भी कर सकते हैं। शर्तें सुनाइए शाह तुर्क। इस पहेली को सुलझाने के लिए आपको सिर्फ 3 मौके दिए जाएंगे, जिसमें आप अपने सबसे बुद्धिमान 3 रत्नों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर व्यक्ति को सिर्फ 1 मौका मिलेगा, लेकिन अगर कोई भी पहेली सुलझाने में नाकाम रहा तो क्या शाह तुर्क? तो आपको हमारे सामने सर झुकाना होगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई शाह तुर्क? मेहमान के साथ गुस्सा नहीं करते सुखदेव जी, बैठ जाइए। आप भी बैठ जाइए दिलेर जी। हमें आपकी शर्त मंजूर है शाह तुर्क, पहेली बताइए। पर्दा हटाया जाए। ये रही हमारी पहेली। बादशाह अकबर, इस शेर को पिंजरे से बाहर निकालना ही पहेली है बादशाह अकबर। ये तो बहुत आसान है। आसान तो है बादशाह अकबर, लेकिन शर्त के अनुसार इस पिंजरे को छूने की मनाही है। बीरबल, आप क्या कहते हैं? हमें कल तक का समय दीजिए जहांपनाह। कल तक हम इस शेर के बुत को पिंजरे को छुए बिना ही बाहर निकालने का कोई उपाय सोच लेंगे। दिया समय, पिंजरे को ढक दिया जाए। बीरबल, आपने 1 दिन का वक्त मांगा है, क्या आपके दिमाग में पिंजरे को छुए बिना ही शेर को बाहर निकालने की कोई योजना है? सच कहूं जहांपनाह, तो मेरे पास अभी तक कोई योजना नहीं है। मगर गुस्ताखी माफ हो हुजूर। आप हर मुश्किल को हल करने का जिम्मा सबसे पहले बीरबल जी को ही क्यों सौंपते हैं? हम चाहते हैं कि इस बार ये मौका हमें दिया जाए। अगर आप ऐसा सोचते हैं दिलेर जी, तो ठीक है, पहले 2 मौके आपके और सुखदेव जी के हुए। अगर आप दोनों में से कोई भी पहेली को सुलझाने में सफल नहीं हुआ तो ही बीरबल जी सामने आएंगे, लेकिन याद रहे हमारी इज्जत का सवाल है। आप चिंता न करें बादशाह अकबर, हम आपका सर झुकने नहीं देंगे। शाह तुर्क की पहेली को हल करने का पहला मौका हमने सुखदेव जी को दिया है। सुखदेव जी,
जहांपना, मैंने दरबार में हमारे देश के सबसे बेहतरीन जादूगर अगदम बगदम को बुलाया है, जो चुटकी बजाते ही इस शेर को बिना पिंजरे को छुए बाहर निकाल देंगे। जादूगर को बुलाया जाए। जादूगर अगदम बगदम दरबार में पेश हो। ओहो, जादूगर अगदम बगदम का प्रणाम स्वीकार करें जहांपना। प्रणाम जादूगर जी, क्या आप इस शेर को बिना पिंजरा छुए बाहर निकाल सकते हैं? ये तो बहुत ही आसान है जहांपना, अभी निकाल देता हूँ। अगदम बगदम ढिश। अगदम बगदम मक्सा मक्सा, जल्दी आए लकड़ी का बक्सा। अगदम बगदम धूम धड़ाका, शेर बाहर अंदर खरगोश जाता। चू 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 चू। बक्सा खोला जाए। लगता है हमसे कोई गलती हो गई है। हम इसको अभी ठीक कर देते हैं। रुक जाओ जादूगर। शर्त के अनुसार एक व्यक्ति को सिर्फ एक मौका मिलेगा। आप अपने मौके में नाकामयाब हुए, अब बचे सिर्फ दो मौके। दिलेर जी, दूसरी कोशिश आपकी है। जी जहांपना। बाबा घोरी को बुलाया जाए। बाबा घोरी दरबार में पेश हो। मेहमान शाहे तुर्क और बादशाह हिंदुस्तान को अघोरी का प्रणाम। बाबा घोरी, आपको उस पिंजरे में से शेर को बाहर निकालना है, लेकिन शर्त के अनुसार आप पिंजरे को छू नहीं सकते। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है दिलेर जी। निकाला निकाला, कुत्ता शेर, शेर कुत्ता, पिंजरे से झट से निकला। पर्दा हटा। जहांपना, मुझे एक और मौका दीजिए। माफ कीजिएगा अघोरी बाबा, हमें आपकी शक्तियों पर रत्ती भर भी शक नहीं, पर दूसरा मौका हम नहीं दे सकते, ये शर्त के खिलाफ है। आप जा सकते हैं। हमें पूरा भरोसा है बादशाह अकबर कि तीसरे और आखिरी मौके पर आप जरूर बीरबल को ही बुलाएंगे। आपने सही फरमाया शाहे तुर्क, आपकी पहेली को सुलझाने अब बीरबल ही आएंगे। बीरबल, आपकी बुद्धि का जलवा देखने ही तो हम तुर्किस्तान से आए हैं। बीरबल, देखें तो सही आपकी तारीफों में कितना दम है। जहांपना, हम कुछ देर तक शेर को देखना चाहते हैं। आप जो चाहे करें बीरबल, बस ध्यान रहे कि आपको पिंजरे को छूना नहीं है। अगर छू लिया तो आप चिंता न करें बादशाह अकबर, मेरे रहते शाने हिंदुस्तान का सर झुकने ना पाएगा। सैनिकों, आग की व्यवस्था कीजिए। ओ, 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 ओ,
लीजिए शाह तुर्क, आपका शेर पिंजरे से बाहर निकल गया। लेकिन बिरबल, शेर गया कहाँ? शाह तुर्क का शेर मोम की मूरत था जहां बना, जो आग की गर्मी से पिघलकर बह गया। लेकिन आपको पता कैसे चला बिरबल जी कि शेर का बुत मोम का है? जहां बना, जब मैंने पास जाकर शेर को जांचा तो मैंने पाया कि गर्मी की वजह से उसकी धारियां और रूपरेखा थोड़ी बदली हुई सी थी। वो बदलाव ठीक वैसा था जैसे मोम पिघलने पर होता है। ओहो। बाकी सब आपके सामने है। मान गए आपकी बुद्धि को बिरबल, जैसा सुना था वैसा ही पाया। तुर्किस्तान से हम आपकी बुद्धि का इम्तिहान लेने ही आए थे, जिसमें आप अव्वल आए हैं। बिरबल, आप सच में बादशाह अकबर के सबसे बेहतरीन रत्नों में से एक हैं। बादशाह अकबर जिंदाबाद, बिरबल जी जिंदाबाद।